यह तो हम आपको बता ही चुके हैं कि फिल्म सिंघम 3 में सनी देओल फाइनल हो चुके हैं। जी हाँ, लेकिन इस फिल्म का सिंघम सीरीज से कोई लेना देना नहीं होगा। इसका निर्देशन करेंगे सिनेमेटोग्राफर रविवार के चंद्रन बत और डायरेक्टर यह उनकी पहली फिल्म होगी। इसे प्रोड्यूस करेंगे जयंत लाल गांडा। बता दें, अफवाहों की माने तो इस फिल्म को साइन करने से पहले सनी देओल ने अजय देवगन को कॉल किया था और इस फिल्म की जानकारी दी थी। साथ ही कहा कि वे इस फिल्म में किसी भी तरह उनके नाम का बेफिजूल इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिहाजा अजय देवगन ने भी खुशी खुशी हामी भर दी। गौरतलब है कि साल 2011 में रोहित शेट्टी और अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म आई थी सिंघम। फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया। यह फिल्म सूर्या स्टारर तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म सिंघम की हिंदी रीमेक थी। बहरहाल फिल्म की सफलता के बाद तुरंत ही रोहित शेट्टी ने उसी किरदार के साथ अपनी सीक्वल फिल्म बना दी सिंघम रिटर्न्स। ये फिल्म भी सुपरहिट रही। वहीं उसके बाद तमिल में फिल्म के दो और पार्ट रिलीज कर दिए गए, सिंघम 2 और सिंघम 3। बहरहाल 2017 फरवरी में रिलीज सिंघम 3 की हिंदी रीमेक राइट्स भी ले ली गई। बहरहाल यहां जाने सनी देओल की फिल्मों का हिसाब किताब भैया जी सुपरहिट। प्रीति जिंटा और अमीषा पटेल के साथ सनी देओल की फिल्म आ रही है भैया जी सुपरहिट। फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली है। पोस्टर बॉयज बॉबी देओल और श्रेयस तलपड़े के साथ सनी आ रहे हैं फिल्म पोस्टर बॉयज में। इस फिल्म का निर्देशन भी श्रेयस ही कर रहे हैं। गदर एक प्रेम कथा सीक्वल। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान निर्देशक अनिल शर्मा ने बताया, मेरी फिल्म जीनियस के रिलीज होते ही मैं गदर के सीक्वल पर विस्तार से काम शुरू करूंगा। मेरी कोई भी फिल्म बिना सनी देओल के नहीं बन सकती, लेकिन फिलहाल गदर के सीक्वल में सनी का रोल क्या होगा यह बताना अभी मुश्किल है। ठुकराई एक बड़ी फिल्म। काफी दिनों पहले खबर आई थी कि बाहुबली 2 के लेखक केसाईस राजामौली के पिता केवी विजेंद्र प्रसाद ने अपनी अगली फिल्म के लिए सनी देओल को साइन किया है। फिल्म का नाम रखा गया था मेरा भारत महान, लेकिन बता दें सनी देओल ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है। फिल्म हुई बंद। हाल ही में खुद विजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सनी देओल के साथ जो फिल्म बन रही थी वह बंद हो चुकी है। सनी देओल फिलहाल अपने बेटे करण के डेब्यू पर ध्यान देना चाहते हैं। पल पल दिल के पास करण देओल अपने डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सनी देओल फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है। फिल्म का नाम है पल पल दिल के पास।